उसको बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करते हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखना पसंद करते हैं, जो भी मिलेगा वही करेगा, बाकी इसके बस की नहीं है। दिल्ली सरकार तो द्वारका स्कूल में MCT जो है उसमें एक स्कूल के रिनोवेशन में इसने 25 लाख रुपए खर्च किया है और मुश्किल से 2 लाख भी नहीं लगे हैं वहाँ पे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पालम विधानसभा में। यहां पर तमाम लोकल लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह से ये लोग देखते हैं और अरविंद केजरीवाल जो लाख वादे करते हैं उनके कामों से कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? निरंजन लाल पंडित जी। क्या कहेंगे, चुनाव बेहद नज़दीक है, अरविंद केजरीवाल लगातार बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं शिक्षा में काम किया हमने, स्वास्थ्य में काम किया, कैसे देख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं किया, 10 साल से सीनियर सिटीजन पेंशन नहीं बन रही है, ना राशन कार्ड बन रहे हैं, ना मतलब बच्चों का नाम कट चढ़ा रहे हैं, ना मतलब जोड़ रहे हैं। ये इसने ये कहा था मैं बच्चों के साथ खाता मैं बिल्कुल सरकार नहीं बनाऊंगा। कोरोना काल के अंदर मोदी जी मतलब देश की सेवा कर रहे हो, अपना महल बना रहे 54 लाख करोड़ का, तो इसके बाद में सारे बेकार है। अब जब ये वोट मांगने आएंगे आप लोगों के पास तो कैसे जवाब देंगे आप? भाई जो काम करेगा वही करेगा, बाकी इसके बस की नहीं है। दिल्ली सरकार नहीं चला सकता, ये दारू फ्री में दे रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, गली गली में वो कर रहे हैं, ये कौन सा ये केजरीवाल है? ये जो बच्चे को पढ़ाओगे अच्छी शिक्षा को ना करे, एक बोतल साफ दे एक बोतल फ्री, तो बच्चे बिगाड़ने वाला काम क्या क्या इसने, कुछ भी नहीं किया। देखिए कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो विधानसभा चुनाव है उसको कैसे देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? महेश चंद्र शर्मा। महेश जी कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? मैं लाना है भारतीय जनता पार्टी को जो समाज में काम कर सके, जो ये झूठे वादे हैं ये ना कर सके। लगातार वो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बकवास, सब झूठ है, कोरा झूठ है, ये झूठ का आडंबर जो फैला रखा है ये गलत है। अच्छा इस बार वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आएगा आप किसी विधायक का चेहरा मत देखिए, आप अरविंद केजरीवाल को देखिए। उसको बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करते हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखना पसंद करते हैं, जो भी मिलेगा वही है। क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? आपने शिक्षा के बारे में बात कर रहे हो, केजरीवाल ने शिक्षा के जो स्कूल बनाए हैं, अगर ये गवर्नमेंट बदलेगी तो इसका जो स्कूल के जो इतना जितना कहेंगे ना कि सबसे बड़ा घोटाला मिलेगा। कारण एक स्कूल के कमरे को रिनोवेशन में कितना पैसा लगाओगे आप? सेक्टर 2 द्वारका स्कूल में MCT जो है उसमें एक स्कूल के रिनोवेशन में इसने 25 लाख रुपए खर्च किया है और मुश्किल से 2 लाख भी नहीं लगे हैं वहाँ पे, तो कैसा स्कूल, कैसा इसके शिक्षा? ये कह रहे हैं लगातार हमने शिक्षा में क्रांति लाई है। 0% सब बच्चे जितने भी हैं ना, इसने स्कूल में लव जिहाद के अलावा कुछ नहीं किया है। जितने भी मुस्लिम बच्चों को इसने जो गारंटी दी है, मुस्लिम बच्चियां हिंदुओं के बच्चों के साथ अपने सहमित्र वो करते हैं संपर्क। यहाँ के विधायक को लेकर क्या कहेंगे, कुछ विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है, सिर्फ उनका चेहरा भी नहीं जानते लोग बाग। किसने क्या किया? उनका चेहरा भी नहीं जानते, कहीं क्षेत्र में कहीं भी आए कोई मिल जाए, जो विधायक है यहाँ पे आए कोई वो नहीं है। कौन है विधायक? भावना गौड़ जी बताते हैं, वो विधायक में बिल्कुल सक्रिय नहीं है, 0% उनकी। देखिए तमाम लोग जो हैं ये पालम विधानसभा के हैं और यहाँ की विधायिका हैं भावना गौड़, क्या कुछ कहेंगे चाचा? चुनाव बहुत नजदीक है, विकास हुआ है? भाई वो जब वो यहाँ आएगी नहीं कहेंगे क्या, क्या कहेंगे जब वो आएगी? कभी आप लोगों ने शिकायत करी है? किस से करें? विधायक ऑफिस में वो कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता, बकवास। देखिए कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे, चुनाव बहुत नजदीक है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव? आप खुद देखिए, गैस का चैम्बर बनी हुई है, इसने कहा था मैं सोल्यूशन करूंगा पंजाब वगैरह से पराली रोकने का, वही गैस चैम्बर, वही यमुना, वही सब कुछ दूषित है, कोई विकास नहीं है। आप धूल रोडों पे धूल मट्टी देख लो, कोई सफाई, कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। वो तो नजरिया बता रहा है, जब ये आज GRAP 3 लग गया, अगर काम करते तो GRAP 3 लगता है क्यों? और आप यमुना में देखो झाग बन रहे हैं, कोई काम नहीं है, किसी भी विषय का कोई काम नहीं है। अगर यहाँ के विधायिका को लेकर बात करूँ तो किस तरह का काम? हमने आज तक वो देखी नहीं है, आज तक हमने, मैं 40 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने अभी तक आज तक नहीं देखी है यहाँ पे किसी रोड पे, सिर्फ चुनाव में आएगी वो, एक भी MCD के चुनाव में यहाँ से एक बार निकल के गई थी, उसके बाद कुछ नहीं।
अब जब आप लोगों के पास इस बार चुनाव में आएंगे तो कैसे जवाब देंगे? हम तो आप दूसरी पार्टी को देंगे, बीजेपी को देंगे या किसी कांग्रेस को देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे झाड़ू को। बीजेपी को ही क्यों देंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को दे देंगे, मैंने ये कहा। क्या कहेंगे? कार्यकर्ता है सारे बीजेपी के। आप अपना बताओ ना। आप ले लो उनसे, उन्हीं से ले लो, सारे बीजेपी के। देख नहीं रहे घर में कपड़े पहन के बैठे हुए, कपड़ों से आइडेंटिफाई हो रही है। सही काम हो रहा है और सरकार बदलेगी नहीं, ये भी बता रहा हूँ, सरकार बदलेगी नहीं। बस विधायक के काम से खुश हैं? सब ठीक है। केजरीवाल के काम? सब ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये पालम विधानसभा के लोग हैं, आपको बता दें क्या कुछ कहेंगे सर विधानसभा में, किस तरह का काम देख रहे हैं? भैया बता दिया उन्होंने, एक ही बात है। अरे बता तो दिया आपने, बस हो गया। देखिए तमाम लोग पालम विधानसभा के हैं, आपके बता दें ये तमाम लोगों की अपनी निजी राय थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह से ये जनता जवाब देती है, क्या काम के नाम पर वोट होगा या फिर नाम के नाम पर वोट होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।